नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, समय रहते संभल जाओ, यह नारी अब आपको सबसे बड़ा धोखा देगी। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 24-48 घंटों का समय आप सभी के लिए सावधानी पूर्वक का समय होगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो व्यक्ति है, ये जो नारी है, आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा कब्जा कर चुकी है। इस व्यक्ति, इस नारी के कारण आपने अपने जीवन काल में बहुत सारी समस्याओं को झेला है। और दोस्तों, आने वाले 24-48 घंटों के अंदर आप सभी के जीवन काल में ये बहुत ही बड़ा कांड करेगी। जी दोस्तों, तो दोस्तों समय रहते हो जाइए सावधान। और दोस्तों, आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल ही मिस ना करिएगा। जी दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जिनका आपके ऊपर अपना एक अलग ही खेल हो रहा है। जी दोस्तों, यह व्यक्ति आपको अपने खेल में फंसा चुके हैं, यूँ कहें तो आपको अपने जादू में यह व्यक्ति फंसा चुके हैं। और इन्हीं के कारण दोस्तों आपको अपने जीवन में इतना संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, इतनी मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में बहुत ही परेशान हो चुके हैं और बहुत ही आप निराश हो चुके हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर कहें तो इस व्यक्ति के कारण आप अपने जीवन में थक चुके हैं। तो दोस्तों, आखिर वह व्यक्ति कौन है जो कि आपके ऊपर ऐसा जादू चला रहा है, जो आपके ऊपर खेल खेल रहा है, जो आपको अपने जाल में फंसा रहा है, जिनके कारण दोस्तों आप अपने जीवन काल में इतने पीछे हैं, अपने लक्ष्य को पाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, और तभी दोस्तों आप अभी भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों, आप सभी से आज हम निवेदन करेंगे, दोस्तों अनुरोध करेंगे कि वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जी दोस्तों, इन्हें आप बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि दोस्तों जो महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको बताने वाले हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको समझाने वाले हैं, इन्हें आप सही तरीके से समझ सकें और इनको अपने जीवन काल में उपयोग करके इनका लाभ उठा सकें। जी दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भक्त वीडियो को लाइक करके सर्वप्रथम कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा, गुरु जी का और माता रानी का, अपनी माता का सदैव आशीर्वाद प्राप्त करिएगा, तो मित्रों जरूर लिखिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें। तो आए दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करते हैं। जो दोस्तों बात करते हैं इस व्यक्ति के बारे में जो कि आपके ऊपर जादू कर रहा है। दोस्तों, इस व्यक्ति का जादू आपके ऊपर इस प्रकार पड़ा है कि दोस्तों आपके जीवन में खुशियाँ आपके जीवन से लगभग समाप्त सी हो गई है। इस राशि वाले जातक बताए हैं कि हमारे जीवन में पिछले वर्ष से संकट आए हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसका दोस्तों हमने अपने सपने में भी विचार नहीं किया था, हमने अपने सपने में इन्हें सोचा तक नहीं था। जी दोस्तों, ऐसे में दोस्तों कई सारे जातक अपने जीवन में परेशान हो चुके हैं, बहुत सारे जातक अपने जीवन काल में हताश हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपके पीछे आपको धोखा दे रहा है, जी दोस्तों आपको बदनाम कर रहा है, आपके जीवन काल में संकट बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। तो दोस्तों बता दें, सर्वप्रथम इस राशि के जो जातक का स्वभाव है बहुत ही प्यारा होता है, यानी कि दोस्तों इन लोगों के मन में किसी के प्रति कोई भी छल और ना ही कपट होता है। और दोस्तों, हर व्यक्ति के प्रति इनके मन में सद्भावनाएँ होती है, कभी किसी को नीचा दिखाने का यह प्रयास नहीं करते, उनके बारे में यह सोचते तक नहीं है। ये दोस्तों, या किसी को ठेस पहुंचाने के बारे में नहीं सोचते। दोस्तों, एक बात आप सब समझ लीजिए, जी दोस्तों, कि वर्तमान की इस दुनिया में, यानी कि दोस्तों आजकल अच्छे लोगों की कोई कदर नहीं करता, अच्छे लोगों की कोई भी इज्जत नहीं करते हैं, कोई भी इज्जत सम्मान नहीं करते हैं। और दोस्तों, इसी वजह से इस राशि के जो भी जातक है, जो भी व्यक्ति है, इतने संकट झेल रहे हैं, इसी मुसीबत झेल रहे हैं, इतनी मुसीबत झेल रही है, क्योंकि दोस्तों आपका जो मन है बहुत ही सच्चा है। सच्चा होना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है, परंतु दोस्तों इस मतलबी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे दुष्ट पुरुष हैं, दुष्ट महिलाएं हैं, जो कि आपको अच्छे समय का, अच्छाई का, आपके अच्छे वर्ताव का गलत फायदा उठाते हैं, गलत लाभ उठाते हैं। और दोस्तों, आपको अपने सामने
मुसीबतों में, संकट में देखना चाहते हैं। जी दोस्तों, इसी कारण वो आपको अपने षड्यंत्र में फंसाते हैं, आपके साथ आपके संकटों में साथ होने का ढोंग भी वह करते हैं। जी दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको यह बातें सच्ची लग रही हो और यह बातें आपके जीवन काल में घटी है तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि आपके ऊपर एक ऐसा जादू चला देते हैं, ऐसा मंत्र पढ़ देते हैं जिससे कि दोस्तों आप इनकी बातों में फंस जाते हैं और उलझ जाते हैं। यानी कि दोस्तों ये लोग ऐसा करते हैं कि आपके ऊपर मुसीबत कभी आ जाए तो दोस्तों ये साथ होने का सिर्फ ढोंग करते हैं। ये दोस्तों ये कभी आपको सही जानकारी नहीं देते हैं, यानी कि दोस्तों ये आपके साथ रहकर ही आपकी कमजोरी के पता लगाने के बारे में ही रहते हैं। कभी भी ये सच्चे दिल से आपको मदद करने की भावना तक नहीं रखते। जय दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नाटक करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इनके खेल में आप ऐसा फंस जाते हैं, ऐसा उलझ जाते हैं, इनका जादू आपके ऊपर ऐसा चल जाता है कि दोस्तों आप इनकी बातों में बहुत ही जल्दी फंस जाते हैं, बहुत ही जल्दी उलझ जाते हैं। और दोस्तों, आपको भनक तक नहीं लगता कि आप इनके जाल में फंसते जा रहे हैं। जी दोस्तों, दोस्तों ध्यान रखिए कि ऐसे लोगों का साथ आप तुरंत छोड़ें। जी दोस्तों, जिन लोगों ने आपको पूर्व समय में कभी ना कभी धोखा दिया हो, कभी ना कभी आपका साथ गलत किया हो, मुसीबत में आपको अलग छोड़ दिया हो, आपका साथ नहीं दिया हो, तो दोस्तों ऐसे लोगों का साथ आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। भूलकर भी दोस्तों ऐसे लोगों का हाथ आपको बिल्कुल भी नहीं थामना चाहिए, अन्यथा दोस्तों जीवन में किसी न किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर आप इस बात को पाएंगे, इस बात को एहसास करेंगे कि आपके साथ कोई भी नहीं है, बिल्कुल आप अकेला मझधार में फंस चुके हैं। जी दोस्तों, और यह लोग आपको मझधार में छोड़कर भी चले जाएंगे। और दोस्तों, आप देखेंगे कि सहायता के नाम पर यह लोग कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोग दोस्तों इन पर इतना भरोसा करके बैठे हैं कि दोस्तों इनके ऊपर आप थोड़ा सा भी शक नहीं करेंगे, यानी कि दोस्तों आप इन लोगों पर 2% भी शक नहीं करेंगे। यह लोग आपके ऊपर इतना खेल खेलते जाएंगे और आप इनके ऊपर शक भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अपना जादू यह आपके ऊपर चलाते जाएंगे, मुसीबतों में, संकटों में आपको फंसाते जाएंगे, आपके जीवनकाल में संकटों का बौछार बिखेरते जाएंगे। जी दोस्तों, और आपको इनकी भनक तक नहीं होगी, आप इनके ऊपर शक ही नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप पहले ही इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करके बैठे हैं। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूँ तो इस राशि वाले जो जातक हैं आसानी से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन दोस्तों अगर यह किसी पर भरोसा कर लेते हैं, जिस व्यक्ति पर अपना दिल दे देते हैं, फिर दोस्तों यह हर दम तक अपने मरते दम तक विश्वास टूटने नहीं देते हैं। और दोस्तों यही आपसे सबसे बड़ी भूल हो जाती है, सबसे बड़ी गलती आपसे हो जाती है। ये दोस्तों आपको बता दें कि इस राशि वाले जातक जाने अनजाने में गलत इंसानों पर विश्वास कर लेते हैं, उसे अपना मान लेते हैं। जी दोस्तों, बात थोड़ा कड़वी है पर दोस्तों सत्य है, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप ऐसे लोगों पर भरोसा कर बैठते हैं जो लोग दोस्तों आपके भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। जी दोस्तों, यह लोग आपके ऊपर अपना जादू चला रहे हैं, आपको अपने षड्यंत्र में फंसा रहे हैं, दोस्तों आपको भनक तक नहीं लग पा रहा। दोस्तों, अगर आपको मदद की जरूरत है तो दोस्तों सच्चे लोगों और फिर सज्जन पुरुषों से मदद मांगे, ऐसे बुरे और नकारात्मक से भरे लोगों से बिल्कुल भी मदद ना मांगे, अन्यथा दोस्तों सज्जन लोग भी आपका साथ नहीं देंगे। जी दोस्तों, इस दुनिया में आपके दुख में खुश होने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आपकी खुशी में जलने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। दोस्तों, अगर आप यह बात से सहमत हैं, वीडियो में आपको सच्चाई दिख रही है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आए दोस्तों, से साथ बात करते कि यह व्यक्ति या नारी जो है, कैसे आप इनसे छुटकारा पा सकते हैं। जो दोस्तों, इनके लिए आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि आपको इनसे छुटकारा पाने के लिए ये पाठ करना चाहिए। इनसे दोस्तों आपके जो भी प्रभाव है, जो भी बुरे प्रभाव हैं, वह दूर होंगे और इनके दिए गए सभी कष्ट आपके जीवनकाल पर कोई भी असर नहीं करेगा। जो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि प्रातःकाल दुर्गा सप्तशती के कवच किलक अर्गला स्त्रोत्र का पाठ किया जाए तो कुंडली में बुध और शुक्र की स्थिति मजबूत होती है। इसके साथ ही माँ दुर्गा के आशीर्वाद आपके जीवन में सभी कष्ट और परेशानियों को दूर कर देती है। जो दोस्तों, और सभी कार्यों को भी पूर्ण करती है
आपके जीवनकाल में जो भी बुरी शक्तियाँ काम करती हैं, जो भी आपके ऊपर जादू टोने होते हैं, उन सभी से आप छुटकारा पा जाएंगे। तो दोस्तों बस आपको इन सभी का पाठ करना है, इन सभी का जाप करना है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।